झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के पूर्वी जिला सिंगरौली में लगातार दूसरे राज्यों से हेरोइन की खेप पहुंच रही थी, साथ ही पुलिस उसमें कार्रवाई भी कर रही थी। शहर कोतवाली पुलिस ने फिर से हेरोइन तस्कर सहित दो स्थानीय सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तस्कर महेंद्र यादव उत्तर प्रदेश का निवासी है और वह स्थानीय सप्लायर नंदगांव निवासी राकेश शाह व आशीष शाह के माध्यम से बिक्री करता था। मुख्य तस्कर महेंद्र यादव भी पूर्व में 15 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था। कोतवाल मनीष त्रिपाठी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश अनपरा बीना निवासी तस्कर अफीम हीरोइन लेकर आ रहा है और नंदगांव निवासी स्थानीय दो युवकों को सप्लाई देगा। सूचना पर कोतवाली टीम के साथ सिविल ड्रेस में मौके पर पहुंचे, जहां स्टाफ को लेकर घेराबंदी करते हुए तीनों आरोपियों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर तीन पन्नियों में 7 ग्राम हीरोइन मादक पदार्थ मिला, जिसे जब्त कर लिया गया है। तीनों को थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। वर्तमान में इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 लाख बताई गई है। आज तीन व्यक्तियों को हेरोइन के साथ करीबन 7 ग्राम के साथ हमने पकड़ा है। उसमें से एक व्यक्ति बीना का रहने वाला है, बीना खड़िया से लाके गहन क्षेत्र, नवानगर क्षेत्र और आसपास सप्लाई किया करता था। जो स्थानीय स्तर पे दो व्यक्ति उससे सामान लेके बेचते थे, उन दोनों को भी पकड़ा है, एक राकेश साहू और आशीष साहू। और यूपी वाला जो है वो है सहिंदर यादव, इनके खिलाफ 8/21 NDPS में हम कार्रवाई कर रहे हैं, तीनों को जेल भेज रहे हैं। ये इनके सरगना है क्या, क्योंकि काफ़ी टाइम से सिंगरौली जिले में सर्च धंधा चल रहा था। अभी तक तो जो भी प्रकाश में आया, यहाँ पर यूपी से ही आया करती है। इनके और गहराई से इसके चैनल की हम तलाश कर रहे हैं और इनके सरगनाओं तक पहुँचने का पूरा प्रयास किया जाएगा।